वेलकम बैक पॉलिश विद मनीष। आज हम दो ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जो इंसान का नाम पर प्राणी है, द लेजेंड एक्टर, सबका चाहता कमल रसिद खान, और दूसरे नंबर पर है बाबा राम रहीम इंसान। तो इस लॉजिक का आज हम पड़ताल करेंगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहला वाला प्राणी के बारे में, जो बहुत बड़े एक्टर है, जो बहुत बड़े क्रिटिक्स है, अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए बोलते रहता है, साथ ही साथ एक प्रोड्यूसर भी है, और आजकल तो भाई राइटिंग भी शुरू कर चुका है देशद्रोही पार्ट 2 के। राइटर है बट देशद्रोही का स्पेलिंग गलत क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्टिंग का ABCD आए ना आए, लेकिन सामने वालों को एक्टिंग का PhD पढ़ाने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत बड़ा ज्ञानी है, जादूगर, मैजिक मैन, कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले उसका चिट्ठा हिस्टोरी खोल के हम सबका सामने प्रेजेंट करता है उसे फ्लॉप साबित करने के लिए, क्योंकि आजकल सबने समोसा चाय खिलाना पिलाना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिटिक्स है। आजकल वो साउंड इफेक्ट भी डालते हैं अपने पिच बाड़े से, खुद ही सुन लो यार। फू फू जो 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 डम 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 मस्त मस्त है यार। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिसके चलते वो कुछ अलग यूनिक कैटेगरी में आता है। लास्ट 6 साल से देशद्रोही 2 के लिए लीड एक्टर ढूंढते ढूंढते खुद ही लीड एक्टर की कुर्सी में बैठ चुका है। तो देशद्रोही का राइटर KRK, प्रोड्यूसर KRK, एक्टर KRK, कैमरामैन KRK, और देखने वाला पब्लिक भी KRK। तो शॉर्टकट में बोला जाता है तो इस सदी का सबसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलेगा देशद्रोही पार्ट 2 को। ताली ठोको और लाइक करो मेरा वीडियो को यार। तो अभी स्टार्ट करते नेक्स्ट लेवल का प्राणी है, जो प्राणी ऐसा खतरनाक है पहला वाला प्राणी से भी ज्यादा खूंखार प्राणी है, बाबा राम रहीम या फिर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। साले नाम है क्या, पूरा कुंडली है, पूरा खानदान का नाम चिपका दिया बे। बाबा जी इस दुनिया का पहला ऐसा इंसान है जो क्रिकेट में नयापन लाया था। 70 गज की दूरी में बॉल गिरा तो भाई छक्का, 125 गज की दूरी में बॉल गिरा तो 8वां, और 120 गज की दूरी में बॉल गिरा तो डबल छक्का। इसका तो BCCI का प्रेसिडेंट बनना चाहिए था यार। मुझे तो उस बात की दुख है जो बाबा जी का आविष्कारी था हाथ वाले फुटबॉल, इंडिया वालों ने उसे बैन करवा दिया। इसके बाद इस प्राणी ने अपना बदला लेने के लिए कुछ पेजेंट किया, मतलब रीपेजेंट किया उस जवानों की, जिसका नाम दिया गया यंगस्तान एरोबिक डांस एकेडमी, बाबा की छमिया छमिया। ये प्राणी बिना पहला वाला प्राणी से ना बहुत 10 कदम आगे एनोगेटेड है, जिसका कोई मतलब शब्द ही नहीं है। मतलब ये भी मूवी बना चुका है, बहुत सारे मूवी एक के बाद एक, पार्ट 1 पार्ट 2, मतलब इतना सारा मूवी है भाई कॉन्फ्यूज हो चुका हूँ कौन सा मूवी किस मूवी का सीन है। ये इंसान ना एक नंबर का फाड़ू इंसान है, खुद ही डायरेक्ट करता है, खुद ही राइटिंग, खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही कैमरामैन है, खुद ही लाइटमैन है, खुद ही कंपोज करता है, खुद ही मतलब एडिटिंग करता है, खुद ही कोरियोग्राफर है, खुद ही डांस करता है, और मतलब ऐसे ऐसे चीज है। आप इसका इंटरव्यू देख के ना मैं भी खुद पक गया यार। मतलब कभी एक्टिंग कैमरा के सामने करता है, पीछे फिर कैमरा घूमता रहता है, भाई तो जादूगर है यार। थैंक गॉड इसे गवर्नमेंट ने अंदर घुसा दिया, नहीं तो भाई सबको पागल बना के छोड़ता था। मेरा तो मन चले इसका ऊपर अभी 10-15 और वीडियो बनाऊं। मजा लो यार, अभी मजा लो, सीरियस मत हो, थोड़ा एंजॉय करें, रिलैक्स है, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है भाई फिर रिव्यू करेंगे ना, फिर मिलते रहेंगे अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।